हेलो एवरीवन हाउ आर यू ऑल उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज हम लोग प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे नाउन प्रोनाउन से बेस्ड फ्रेंड्स प्रोनाउन से रिलेटेड एरर्स को डिस्कस करेंगे हम फ्रेंड्स प्रोनाउन को पढ़ने के बाद हमें ये ज़रूरी होता है कि हम लोग एरर्स को डिस्कस करें ताकि हम लोग अपना जो है आकलन कर सकें ठीक है कि हमने कितना सीखा है प्रोनाउन तो एरर से ही पता चल चलेगा कि हमें कितना आया है और डेफिनेटली फ्रेंड्स ये हर एक एग्जाम में दो तीन क्वेश्चन तो आते ही आते हैं प्रोनाउंस uh, के एरर से रिलेटेड तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डे टू डे अपडेट्स मिलती रहे और आप जो है यू पी टैट टैट सी टैट और आपके टी जी टी पी जी टी एस एस सी सभी एग्जाम्स को आराम से क्रैक कर सके तो चलिए फ्रेंड्स बिना देर क्योंकि करते हैं स्टार द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वॉन्ट ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज एंड एलोएंस फॉर इट्स तो इसमें फ्रेंड्स हमारे डी पार्ट में हो जाती है एरर यहाँ पर फ्रेंड्स जो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है यह कलेक्टिव नाउन के रूप में नहीं यूज़ हो रहा है जबकि प्लूरल नंबर के रूप में फ्रेंड्स ये काम कर रहा है ठीक है तो इसमें इसमें क्या है कि इसके सदस्यों का बोध हो रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सो हम लोग यहाँ पर प्लूरल रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे फ्रेंड्स दैम सेल्स ठीक है दैम सेल्स का यहाँ पर यूज़ करेंगे फ्रेंड्स तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू यू एंड आई यू एंड आई हैव डन माई बेस्ट इन द एग्जामिनेशन नो एर तो क्वेश्चन नंबर टू में हमारे फ्रेंड्स हमारे सी पार्ट में हो जाती है एरर यहाँ पर हमें फ्रेंड्स माई की बजाय क्या यूज़ करना पड़ेगा अवर का यहाँ पर यूज़ करना होगा फ्रेंड्स ठीक है क्योंकि तो जब दो या दो से अधिक प्रोनाउंस फ्रेंड्स सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होते हैं तो हमें प्रोनाउन भी उसी के अकॉर्डिंग लेना होगा फ्रेंड्स तो यहाँ पर क्या है दो है सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री हिज एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन योर्स तो क्वेश्चन नंबर थ्री में हमारे फ्रेंड्स डी पार्ट में हो जाती है एरर एज यू वेल नो यो के बदले हमें यहाँ पर क्या यूज़ करना पड़ेगा योर्स का यहाँ पर यूज़ करना होगा फ्रेंड्स ठीक है योर्स का यहाँ पर यूज़ करना होगा पोजिटिव फॉर्म योर्स का हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा फ्रेंड्स नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर एवरी टीचर एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज इज डिटरमाइ टू डू देअर बेस्ट फॉर द ग्लोरियस प्रोस्पैक्ट्स ऑफ द कॉलेज तो क्वेश्चन नंबर फोर में हमें फ्रेंड्स हमारे सी पार्ट में हो जाती है एलर यहाँ पर हमें फ्रेंड्स देयर के बजाय हिज़ का यहाँ पर यूज़ करना होगा फ्रेंड्स जब दो सिंगुलर नाउन्स फ्रेंड्स एंड से जुड़े होते हैं तो उनके पहले ईच या एवरी का यूज़ होता है तो सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर होता है फ्रेंड्स ठीक है सब्जेक्ट सिंगुलर होता है सो so, उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज़ होगा फ्रेंड्स और प्रोनाउन का भी यूज़ होगा तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर तो फोर में हमारे किसमें पार्ट में हो अगर सी पार्ट में हो गई थी एर नेक्स्ट देख लेते हैं

दस दिस यूनिवर्सिटी तो प्लूरल नंबर में हैं सो so. नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स फ्रेंड्स सी हेट्स एवरीबडी एंड एवरी थिंग रिमाइंड्स हर ऑफ हर मिस्टेक्स नो एरर तो क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमारे फ्रेंड्स हमारे बी पार्ट में हो जाती है एरर यहाँ पर फ्रेंड्स हमें हु की वजह क्या यूज़ करने पड़ेगा दैट का यहाँ पर यूज़ करना होगा फ्रेंड्स क्योंकि यदि दो एंटीसीडेंट्स ठीक है ये के लिए रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन का यूज़ होता है तो यदि दो एंटीसीडेंट्स हमारे एंड से जुड़े होते हैं तो उनमें एक व्यक्ति हो तथा दूसरा वस्तु हो तो उसके लिए रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन दैट का फ्रेंड्स हमें यूज़ करना होता है तो यहाँ पर क्या है एवरीबडी और एवरी थिंग क्वेश्चन नंबर सेवन नॉन ऑफ दीज टू प्रिंसिपल्स हैज़ बीन लुकिंग तो क्वेश्चन नंबर हैज़ बीन लुकिंग आगे भी है देख लेते हैं आफ्टर हिज कॉलेज वेल तो क्वेश्चन नंबर सेवन में हमारे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सेवन में हमारे ए पार्ट में हो जाती है एरर फ्रेंड्स हमारे ए पार्ट में हो जाती है एरर यहाँ पर फ्रेंड्स हमें नॉन के बजाय क्या यूज़ करना पड़ेगा नाइदर का यहाँ पर यूज़ करना होगा फ्रेंड्स ठीक है नाइदर का यूज़ करना होगा क्योंकि तो दो के लिए हैं सो so, क्वेश्चन नंबर एट ईच ऑफ द फोर ग्रेट डीज़ ऑफ शेक्सपियर इज वर्थ रीडिंग तो क्वेश्चन नंबर एट में हमारे फ्रेंड्स कोई भी एरर नहीं है तो ये हमारा हो जाता है नो एरर फ्रेंड्स ठीक है तो क्वेश्चन नंबर नाइन ही प्रोस्ट्रेटेड बिफोर हिज मास्टर हु हैड रिटर्न फ्रॉम लंदन आफ्टर ए ईयर तो क्वेश्चन नंबर नाइन में हमारे ए पार्ट में हो जाती है प्रोस्ट्रेटेड के बाद हमें रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन हिम सेल्फ हिम सेल्फ का यहाँ पर यूज़ करना होगा फ्रेंड्स ठीक है हिम सेल्फ का यहाँ पर यूज़ करना होगा फ्रेंड्स रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन अप्स एंड प्रजेंट इन्जॉय इंट्रोड्यूस कन्फाइन डिवोटी सेक्रीफाइस ठीक है ये जो ट्रांजेटिव वर्ब होती है इनके बाद हमें इनके बाद या तो कोई ऑब्जेक्ट आता है या फिर हमें क्या करना पड़ता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना होता है कौन कौन सी अपसेंट प्रजेंट इंजॉय इंट्रोड्यूस कॉन्फाइन डिवॉर्टी सेक्रीफाइस ठीक है क्वेश्चन नंबर टेन हम देख लेते हैं हिज डोग द डोग आई हैव बोट लुक्स वेरी फिरोसियस देन यू हैव तो क्वेश्चन नंबर टेन में हमारे डी पार्ट में हो जाती है एरर फ्रेंड्स यहाँ पर हमें देन के बजाय द वन द वन का यहाँ पर यूज़ करना होगा फ्रेंड्स क्योंकि कंपैरिजन दो डॉग्स के बीच है तो कंपैरिजन द डॉग आई हैव एंड द डॉग यू हैव के बीच है सो so, हमें द डॉग को द वन से रिप्लेस करना होगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर टेन हम देवन हम देख लेते हैं यू वॉज मच मोर सरप्राइज्ड दैन मी टू सी द डांसिंग गर्ल कमिंग टू वार्ड्स अस तो क्वेश्चन नंबर इलेवन में हमारे फ्रेंड्स हमारे बी पार्ट में हो जाती है एरर क्वेश्चन नंबर इलेवन में यहाँ पर हमें फ्रेंड्स मी की बजाय हमें यहाँ पर आई का यहाँ पर यूज़ करना होगा फ्रेंड्स क्योंकि स्टैंडर्ड uh, इंग्लिश में दैन के बाद नोमिनेटिव केस ठीक है डोमिनेटिव केस कर्ता कारक ठीक है करता कारक का यूज़ होता है फ्रेंड्स दि तुलना दो कर्ताओं के बीच होती है तो कर्ता मतलब सब्जेक्ट नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर द फाइव ब्रदर्स आर डेगर्स डाउन सो दे फील इट बिलो देयर डिग्निटी टू टेक टू टॉक टू ईच अदर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में हमारे डी पार्ट में हो जाती है एरर फ्रेंड्स हमारे डी पार्ट में हो जाती है एरर ईट अदर की बजाय हमें यहाँ पर क्या यूज़ करना पड़ेगा वन अनदर वन अनदर का यहाँ पर यूज़ करना होगा वन अनदर का यहाँ पर यूज़ करना होगा फ्रेंड्स ठीक है तो क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं थर्टीन वन शुड बी ट्रू टू हिज वर्ड्स इन ऑल सरकम टेंसेज क्वेश्चन नंबर थर्टीन में हमारे फ्रेंड्स हमारे बी पार्ट में हो जाती है एरर यहाँ पर हमें फ्रेंड्स हिज की बजाय क्या यूज़ करना पड़ेगा वंस का यहाँ पर यूज़ करना होगा क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में वन है सो so, तो क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं फोर्टीन फ्रेंड्स इफ समन हैज फिनिश्ड द वर्क ही मे गो होम तो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में हमारे फ्रेंड्स इफ समन फिनिश्ड हिज वर्क ही मे गो होम कोई भी एरर नहीं है ये हमारा हो जाता है नो एरर द क्रिमिनल विच वाज चेंड ग्रम्बर्ड एट पुलिस इंस्पेक्टर हो वॉज टॉकिंग हिम टू जेल तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन में हमारे बी पार्ट में हो जाती है एरर फ्रेंड्स यहाँ पर हमें विच की बजाय फ्रेंड्स हु या फिर हम डेट का भी यूज़ कर सकते हैं देट का हमें यूज़ करना होगा फ्रेंड्स ठीक है क्योंकि क्रिमिनल एक मनुष्य है जिसके लिए हमें रिलेटिव प्रोनाउन हो का प्रयोग करना होगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर और विच का प्रयोग हम लोग वस्तुओं के लिए करते हैं फ्रेंड्स ठीक है लोअर एनिमल्स के लिए हम लोग दैट का और लोअर एनिमल्स के लिए भी हम लोग विच का यूज़ कर लेते हैं लेकिन दैट का हम लोग क्या कर लेते हैं दोनों के लिए यूज़ कर लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन हो गया सिक्सटीन फ्रेंड्स एवरीबडी हु वॉज वर्किंग इन दैट ऑफिस गिव ए डेज पे एज देअर कंट्रीब्यूशन टू डिपेंड्स ऑफ डॉक्टर सन हुज़ डाइड ऑन ड्यूटी तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन में हमारे सी पार्ट में हो जाती है एरर यहाँ पर फ्रेंड्स हमें देयर के बजाय क्या यूज़ करना पड़ेगा हिज़ का यहाँ पर यूज़ करना होगा फ्रेंड्स क्योंकि वाक्य का सब्जेक्ट क्या है एवरीबडी जिसके लिए पॉजिटिव केस हिज़ का ठीक है हिज़ का तो अगर रिफ्लैक्शिव प्रोनाउन की बात करें तो हिमसेल्फ का यूज़ करना होता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सेवनटीन देख लेते हैं द ऑफिस द ऑफिसर एज वेल एज द असिस्टेंट सेल्फ एबसेंट दैम सेल्वस फ्रॉम द ऑफिस तो क्वेश्चन नंबर सेवनटीन में हमारा फ्रेंड्स आप समझ ही गए होंगे दैम के बजाय हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा हिम सेल्फ का यहाँ पर यूज़ करना होगा फ्रेंड्स हिम सेल्फ का यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है द ऑफिसर है जो कि क्या है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है कि असिस्टेंट्स ठीक है सब्जेक्ट हमारा असिस्टेंट नहीं है असिस्टेंट्स नहीं है क्या है सब्जेक्ट द ऑफिसर तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन ए स्टूडेंट ऑफ साइंस यू आर फार बेटर देन हिम नो एरर तो क्वेश्चन नंबर एटीन में हमारे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे डी पार्ट में हो जाती है एरर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर एट्टीन में हमारे डी पार्ट में हो जाती है एरर यहाँ पर हमें यहाँ पर हमें हिम की बजाय फ्रेंड्स ही का यहाँ पर यूज़ करना होगा फ्रेंड्स ठीक है ही का यहाँ पर यूज़ करना होगा जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 11 में बताया था सेम वही अप्लाई होगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नाइनटीन हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन ही इंट्रोड्यू ही इंट्रोड्यूज हिज चोर चेयरमैन एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ दैट पार्टी तो क्वेश्चन नंबर नाइनटीन में हमारे फ्रेंड हमारे ए पार्टी में हो जाती है यहाँ पर हमें इंट्रोड्यूज uh, के बजाय इंट्रोड्यूज के बाद आई मीन टू से हमें हिम सेल्फ का यहाँ पर यूज़ करना होगा हिम सेल्फ का यहाँ पर यूज़ करना होगा जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर नाइन में बताया था फ्रेंड्स क्या कि अपसेंट प्रजेंट इन्जॉय इंट्रोड्यूस कन्फाइंड दोटी सेक्रीफाइस इनके साथ इन ट्रांजेटिव वर्ब्स के बाद हमें क्या करना पड़ता है फ्रेंड्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हमें यूज़ करना होता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी द प्लेयर्स हुम वी हैव सिलेक्टेड फोर आवर टीम आर यंग एंड एम्बिशियस तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में हमारे फ्रेंड्स कोई भी हरर नहीं है द प्लेयर्स होम वी हैव सिलेक्टेड फोर आवर टीम आर यंग एंड एम्बिशियस तो हमारे नो no एरर हो जाता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन द गेस्ट होम वी वर टॉकिंग अबाउट हैज़ हैव कम आर माई ब्रदर इन लॉ तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन में हमारे फ्रेंड्स हमारे बी पार्ट में हो जाती है एरर यहाँ पर फ्रेंड्स हमें होम की बजाय फ्रेंड्स हमें का यहां पर यूज करना होगा फ्रेंड्स ठीक है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन हु का यहां पर यूज करना होगा फ्रेंड्स ठीक है तो so, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू देयर इज नन हु कैन हेल्प यू इन दिस क्रूशियल मोमेंट ऑफ योर करियर तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू में हमारे फ्रेंड्स हमारे बी पार्ट में हो जाती है एरर यहाँ पर हमें फ्रेंड्स हो की बजाय दैट का यहाँ पर यूज़ करना होगा फ्रेंड्स वैसे सामान्य परिस्थिति में हम लोग हो या विच के बदले दैट का यूज़ कर लेते हैं लेकिन हम लोग जब ऑल नन नथिंग ओनली और सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव द सेम के बाद हम लोग दैट का ही यूज़ करते हैं फ्रेंड्स ठीक है

विच की बजाय क्या यूज़ करना पड़ेगा दैट का यूज़ करना पड़ेगा फ्रेंड्स जैसे मैंने अभी बताया आपको कि और नॉन नथिंग ओनली सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव द सेम इनके बाद हम लोग क्या यूज़ करते हैं दैट का यूज़ करते हैं सो सेम यही अप्लाई होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर होम एवर कम्स लेट विल नॉट बी अलाउड टू मार्क हिज प्रजेंस इन द रजिस्टर नो एरन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर में हमारे फ्रेंड्स हमारे ए पार्ट में हो जाती है एरर होम एवर के बदले हमें हो एवर ठीक है हो एवर का यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा फ्रेंड्स होम एवर ऑब्जेक्टिव केस में है जिसके लिए वर्ब कम्स का प्रयोग नहीं होता है फ्रेंड्स वर्ब का प्रयोग नोमिनेटिव केस के लिए होता है जो कि होम ऐवर का नोमिनेटिव केस हु एवर होता है फ्रेंड्स तो हमें यहाँ पर क्या यूज़ करना पड़ेगा हु एवर का यूज़ करना पड़ेगा होम एवर क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस में होता है तो यहाँ पर हमें हुम एवर ठीक है हु एवर यानी कि नोमिनेटिव केस का यूज़ करना होगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन द ओनली बुक विच यू कैरी इन योर बे बैग इज इन डिमांड नाउ ए डेज तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव में हमारी फ्रेंड्स बी पार्ट में हो जाती है एरर विच की बजाय हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा दैट का यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा जैसे कि मैंने बताया था आपको क्या क्या ओल नथिंग ओनली सुपरलेटि डिग्रीज के एडजैटिव और द सेम ठीक है तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा उसमें से ओनली का यूज़ हो गया सो so, क्या हम यूज़ करेंगे रिफ्लेक्टिव प्रोग्राम डैट का हम लोग यूज़ करेंगे that's. तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग मैं इससे आगे के 25 क्वेश्चन और कराऊंगी 50 क्वेश्चन के दो सेट में मैं लेके आई प्रोनाउन तो की सीरीज़ इससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी फ्रेंड्स और आप किसी भी कॉम्पिटिशन को क्रैक कर पाएंगे फ्रेंड्स बार बार देखें वीडियो को ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे फ्रेंड्स तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू एवरी वन हैवी नाइस डे